हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुकुल जी के ज्ञान में। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ, इसको ध्यान से देखिए सुनिए। तो बिना समय देरी किए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा आप लोग देख रहे हैं, पहला प्रश्न, रॉबर्ट वुडफोर्ड जिन्होंने भारत में पहली बार पूरा पाषाण उपकरण की खोज की थी, वह एक थे, ठीक है, भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। अगला देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के पाषाण कांस्य और लौह युग की त्रियुगीन विभाजन किया था, किसने किया था? थॉमसन ने किया था, ये थॉमसन। अगला देखिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, आप सभी लोग, कुछ लोग जानते होंगे कुछ लोग नहीं जानते होंगे, ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। अगला देखिए, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? महदहा से, ठीक है। अगला देखिए, एक ही कब्र के तीन मानव कंकाल जहाँ से मिले हैं वो आपके मिले हैं दमदमा से, ये आपका दमदमा। अगला देखिए, खादानों का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था नौ पाषाण काल में, ठीक है। अगला देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म कहाँ मिला था, मतलब भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जीवाश्म कहाँ मिला था? आपका ये मिला था नलतमाला पहाड़ी, ये। अगला देखिए, अवध में हुए एक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवध में हुए जो आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, लगान का नगद में परिवर्तन करना। अगला है, किस साहित्य कृति के कुछ अंश अढ़ाई दिन के झोपड़े नामक वास्तुकृत से मिलते हैं? हरिकेली नाटक। अगला देखिए, गौरिक मृदबाड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, ठीक है। अगला प्रश्न, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते, मतलब किस तरह उनको रखा जाता था और दफनाया जाता था? ये दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला देखिए, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? किस स्थान पर, मतलब मनुष्य भी है जब मर जाता है और कुत्ता जो उसका साथी था वो भी मर जाता है, दोनों के दफनाने जो साक्ष्य जो मिला है, ये आपका मिला है ब्रज होम से। अगला है, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से हुए हैं? ये भी आपका ब्रज होम। अगला है, विंध्य के क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वप्रथम मानव के कंकाल मिले हैं? ये आपके मिले हैं मानव कंकाल लोखैया से। अगला है, मानव समाज
विलक्षण है क्योंकि वह मुक्त आश्रित था संस्कृति पर। अगला है, सिंधु सभ्यता संबंधित है आर्ध ऐतिहासिक युग से, ठीक है, इसका बी होगा। अगला देखिए 18 नंबर, सिंधु घाटी की सभ्यता और गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरी था, पहला होगा ए। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों के पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है मिद्भाड़। अगला देखिए, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि वह, इसमें सभी होगा, जैसे सिंधु घाटी संस्कृति के विकास शहरी जीवन की खुशी सुविधा थी और यह चित्रलेखी लिपि थी। सिंधु घाटी और सी है, सिंधु घाटी संस्कृति में लोहे के साक्ष्य शस्त्र अस्त्र का ज्ञान मतलब हो गया था। अगला देखिए 21 नंबर, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। 22 नंबर, कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, पुरातात्विक संबंधित खुदाई। अगला देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, मतलब मूर्ति पूजा ये तो आपका होगा पूर्व आर्य, ये ठीक है। अब आगे देखिए, अगला देखिए, ये आपका सूची मिलाना है, ठीक है, 24 नंबर। तो इसमें है हड़प्पा, मतलब सूची दिया गया है ABCD और 1 2 3 4 से मिलाना है। तो हड़प्पा का है सावधान R37 और लोथल का डाक यार्ड और कालीबंगा का जुता हुआ खेत होगा और मोहनजोदड़ो का नर्तकी की मूर्ति, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो का है। अगला देखिए, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा से। अगला देखिए, ये भी मिलाना है 26 नंबर, तो इसका होगा हड़प्पा का रावी होगा, ठीक है, और हड़प्पा का रावी है और कालीबंगा का आपका भोगवा होगा, लोथल का, सॉरी इसका कालीबंगा का भोगवा नहीं होगा, कालीबंगा का आपका धांगे होगा, ठीक है, लोथल का आपका होगा भोगवा, ठीक, और रोपड़ का सतलज। चलिए आगे देखिए, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ पर है, जो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार जो है आपका मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो गलत है, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता के बारे में जो गलत कथन जो दिया गया है वो आपका है, लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत है, लोग लोहे के परिचित करीबन 1500 मतलब ईसापुर में लोग परिचित हो गए थे लोहे से, और जो इसमें सही है, नगरों में नालियों की व्यवस्था की गई, व्यापार में वाणिज्य उन्नति पे था और मातृदेवी की उपासना लोग करते थे, मतलब मातृदेवी की जो कुल की देवियां थीं। और ये देखिए, निम्न में से कौन सा जो गलत है, ठीक है, ये कालीबंगा होगा, ये गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है, कालीबंगा का हरियाणा नहीं होगा, कालीबंगा का लोथल होगा,
ठीक है, और आलमगीरपुर का उत्तर प्रदेश, लोथल का गुजरात और रोपड़ का पंजाब। ठीक है, जो लोथल कालीबंगा ये भी गुजराती में है। अगला देखिए 30 नंबर, ये भी मिलान करना है, तो मांडा जम्मू कश्मीर और दायमाबाद महाराष्ट्र है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ हरियाणा में है। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर देखिए, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सिंधु में अवस्थित है। ठीक है, तो ये आपका होगा मोहनजोदड़ो। ठीक, मोहनजोदड़ो होगा इसका। नहीं नहीं मोहनजोदड़ो नहीं होगा, ये गलत है। इसका बताया है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सिंधु में अवस्थित है। अच्छा, ये पूछा है सिंधु में अवस्थित है, तो इसका होगा मोहनजोदड़ो और चहुदड़ो, ये दोनों होगा। बाकी हड़प्पा सुरकोटदा में ये इसमें नहीं है। अगला देखिए, चहुदड़ो के उत्खनन का निर्देश किया था, किसने किया था, J.S. मैक ने। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये आपका हड़प्पा, ये आपका पाकिस्तान में है। और दहेरी एक परिवर्तित हड़प्पी पुरास्थल है, कहाँ का है, पंजाब का। और सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में अवस्थित है, ये आपका लोथल। 36 नंबर देखिए, हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है, किस नदी पर अवस्थित है, ये आपका भोगवा नदी पर है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, ये आपका गुजरात में। अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है लोथल। अगला देखिए, भारत का सबसे हड़प्पी पुरास्थल है राखीगढ़। अगला देखिए, अस्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिस नदी के तट पर बसी है, कौन सी नदी है, यह आपका सिंधु नदी होगा, चेनाब नदी होगा और झेलम नदी होगा, ये गंगा नदी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न 41 नंबर, सिंधु सभ्यता की विकास अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान पर घरों के कुओं तथा पानी योग्य जल संरक्षण हेतु में अवस्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ अवस्थित है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये आपका मोहनजोदड़ो में। 42 नंबर देखिए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विस्तृत विलुप्त हो गए हैं, ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए, ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, ए आर दोनों सही है, लेकिन इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, बी का दोनों सही है। अगला है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले हैं धौलावीरा से। अगला देखिए 44 नंबर, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, गुजरात में, कौन सा हड़प्पी नगर तीन भागों में विभाजित है। ठीक है, तो 45 का होगा धौलावीरा, ये धौलावीरा। अगला है
एक उत्पन्न जल प्रबंधन और संरक्षण व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? धौलावीरा से। ठीक, अगला देखिए, हड़प्पा स्थल सनौती के सभी हाल ही में उत्खनों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान। अगला है वस्त्रों, अगला है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था, तो कहाँ किया गया था कपास की खेती का आरंभ? भारत में। ठीक है, और किस पशु का अंकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ठीक है, तो इसका नहीं मिलता है, पूछा है, नहीं मिलता है, तो गाय, घोड़ा, गाय, ऊंट और शेर का नहीं मिलता है। ठीक है, इसका नहीं मिलता है, बाकी बैल का, हाथी का और भेड़ का मिलता है। अगला देखिए, मृग पट्टिका पर उत्कृष्ट सिंह युक्त देवी की आकृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से। ठीक, अगला देखिए, निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? जो नील नदी के तट पर जो सभ्यता पनपी है, ये आपका है मिस्र की सभ्यता। तो चलिए, ये हमारा 50 क्वेश्चन था, 51 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।